Don't forget to subscribe and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लायबिलिटी। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमेशा की तरह आज भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं लायबिलिटी को भी बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूं कि एक बेसिक लेवल का स्टूडेंट भी समझ सके और बड़े लेवल का स्टूडेंट भी उसको समझ सके, और अगर कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है वो भी उसको बआसानी समझ सके। तो लायबिलिटी का मतलब है मेरे दोस्तों डेट यानी उधार, ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी, बर्डन मतलब बोझ। डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन से हमें ज़्यादा बेहतर चीज़ समझ आएगी। और मैं इस चीज़ को मेंशन कर दूँ, ये जो डेफिनेशन बोर्ड पे आपको दिख रही है ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी, ये मैं ख़ास आप लोगों के लिए डेफिनेशन प्रिपेयर की है ताकि आपको बात समझ आ जाए। इंशाल्लाह लायबिलिटी के लिए एक और लेक्चर मैं प्रिपेयर करूँगा जिसमें दूसरे पहलुओं को भी जिक्र किया जाएगा, लेकिन अभी चूंकि हम वीडियो देख रहे हैं कि हमें बात समझ आए कि लायबिलिटी क्या होता है, तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी डिलीवर्ड एंड द मनी टू बी पेड। सर क्या मतलब? जब गुड्स और सर्विसेज को देना हो, अदा करना हो, डिलीवर करना हो, तो वो क्या है? लायबिलिटी। और जब पैसा देना हो, पे करना हो, तो वो क्या है? लायबिलिटी। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जब मुझ पे जिम्मेदारी आ जाए, मुझ पे बोझ आ जाए, किन चीजों का? इन तीन चीजों में से किसी का। तीन चीजों कौन सी? गुड्स, सर्विसेज या मनी। इन तीनों चीजों में से किसी में से भी मुझ पर जिम्मेदारी आ जाए कि मुझे ये अदा करना है, गुड्स, सर्विसेज और मनी। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉलेज ने अपने स्टूडेंट से, तमाम स्टूडेंट से एडवांस में फीस ले ली, तब उन पे जिम्मेदारी क्या है? उन पे ऑब्लिगेशन क्या है? उन पे बर्डन क्या है? उन पे लायबिलिटी क्या है? क्या उनको पैसे देना है? नहीं। फिर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सर्विसेज किस चीज़ की? उन्होंने पढ़ाना है, तो इदारे पर क्या जिम्मेदारी आ गई, उस कॉलेज पर क्या लायबिलिटी आ गई, क्या बर्डन आ गया, क्या जिम्मेदारी आ गई कि इदारे ने अपने तमाम स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो हमने जिस तरह जिक्र किया कि सर्विस देना, कि जिम्मेदारी आ जाए, ऑब्लिगेशन आ जाए, बर्डन आ जाए कि भाई हमने अपने स्टूडेंट्स को सर्विसेज देना है क्योंकि हमने पैसे ले लिए हैं, तो ये क्या है इदारे के लिए? लायबिलिटी। उसी तरह गुड्स डिलीवर करनी है। मेरे पास एक कस्टमर आता है, मैं एज ए शॉपकीपर, मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है सर मुझे अकाउंटिंग की बुक चाहिए। तो मैं उससे कहता हूँ कि बेटा अभी मेरे पास नहीं है, आप मेरे पास शाम को आ जाना या कल आ जाना। तो वो कस्टमर कहता है कि अंकल आप मुझे बुक भले से कल दे दीजिएगा लेकिन ये पैसे पकड़ लो और अलग से बुक रख दीजिएगा जब भी आपका स्टॉक आए। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मुझ पे क्या जिम्मेदारी है? क्या मैंने उस कस्टमर को पैसे देने हैं? तो जवाब है नहीं, मैंने उस कस्टमर को अकाउंटिंग की बुक प्रोवाइड करनी है, बुक डिलीवर करनी है। वो क्या कहलाएगा? गुड्स को डिलीवर करना है। मुझ पर जिम्मेदारी आ गई, मुझ पर बर्डन आ गया, मुझ पर बोझ आ गया, मुझ पर ऑब्लिगेशंस आ गई कि मुझे उस फलाने एक्स वाई जी कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड करनी है। तो सर्विस और गुड्स, मनी की एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। मैंने बैंक से लोन लिया, अब मुझ पर क्या जिम्मेदारी है? क्या गुड्स देनी है? नहीं। क्या सर्विसेज देनी है? नहीं। मुझ पर जिम्मेदारी है मुझे वो पैसा लौटाना है, रिटर्न करना है, वापस करना है, किसको? बैंक को। तो मनी की भी शक्ल निकल आएगी।
उसी तरह मैं दुकानदार के पास जाता हूँ, शॉपकीपर के पास जाता हूँ, मैंने उससे उधार पे माल खरीद लिया, बाय कर लिया, तो अब मुझ पे क्या जिम्मेदारी है? मुझे अपने शॉपकीपर को जिससे मैंने उधार पे माल खरीदा है उसको पैसे देना है, तो मनी टू बी पेड, मुझ पे जिम्मेदारी है, मुझ पे बोझ है। मैंने माल खरीदा है, मैंने गुड्स खरीदी हैं शॉपकीपर से, तो मुझे क्या करना है? मुझे पैसे लौटाने हैं, मुझे पैसे देना है अपने शॉपकीपर को। बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं मनी से रिलेटेड। तो लाइबिलिटी दरअसल क्या है स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों? गुड्स, सर्विसेज या मनी, एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, इन तीनों में से कोई भी चीज डिलीवर करना हो या देना हो या पे करना हो तो क्या कहला जाता है? लाइबिलिटी, जिम्मेदारी बने भाई, जिम्मेदारी हो, बोझ हो, बर्डन हो कि मैंने अपने कस्टमर से पैसे ले लिए हैं, मुझे गुड्स डिलीवर करना है, मैंने अपने स्टूडेंट से एज अ कॉलेज पैसे ले लिए हैं तो कॉलेज ने सर्विसेज देना है, मैंने शॉपकीपर से उधार पे माल खरीदा है तो मुझे उसको पैसा देना है, मुझे उसे मनी देना है। तो लायबिलिटी दरअसल सिर्फ तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, गुड्स, सर्विसेज, मनी, इन तीनों में से कोई भी चीज़ डिलीवर करना हो तो क्या कहलाता है? लायबिलिटी। आइए चलिए डिस्कस करते हैं इसके हेड्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहला है बैंक लोन। मैंने जिस तरह आपको एग्जाम्पल में ही समझाया कि मैंने बैंक से लोन लिया, अब मुझे क्या है, मुझ पर जिम्मेदारी, मुझ पर बर्डन क्या है? मुझे लोन रिटर्न करना है, मुझे पैसे रिटर्न करना है। उसी तरह अकाउंट्स पेबल, जिसको क्रेडिटर या ट्रेड पेबल भी कहते हैं, मैंने शॉपकीपर से उधार पर माल खरीदा, मुझ पर जिम्मेदारी है कि मैंने उसको पैसे देना है, मुझ पर बर्डन आ गया, मुझ पर ऑब्लिगेशन है। उसी तरह बैंक से लोन या फिर किसी शख्स से, किसी पर्सन से, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, किसी से भी। उसी तरह अनअर्न्ड रेवेन्यू या फिर डेफर्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू कॉलेज की एग्जांपल जिस तरह मैंने दी, जब कॉलेज वालों ने फीस पहले ले ली अपने स्टूडेंट से तो कॉलेज वाले उसको क्या कंसीडर करते हैं? अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू एक ऐसा रेवेन्यू जो अभी अर्न नहीं हुआ। जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है, बर्डन है किस पर? इदारे पर, कॉलेज पर, कि अपने स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो ये एग्जांपल है सर्विसेज से रिलेटेड। बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो बैंक अपने कस्टमर्स को जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो ऑफर देता है कि आप अपने डिपॉजिट से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ओवर ड्राफ्ट, ड्राफ्ट विड्रॉ कर लेना, ओवर का मतलब ज्यादा। तो ये भी मेरे लिए क्या है? एज ए कस्टमर, बैंक का कस्टमर, मेरे लिए है जिम्मेदारी। उसी तरह आखिरी एग्जांपल एक्सपेंसेस पेबल, जिसको एक्रूड एक्सपेंस, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कहते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो एक्सपेंस हो चुके हैं, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में उसको डिस्कस किया, एक्सपेंस को हो तो गए हैं लेकिन अभी पे नहीं हुआ। मैंने अपने मुलाजिम से, मैंने अपने एम्प्लॉय से सर्विसेज ले ली हैं, एक्सपेंस तो हो गया लेकिन पे नहीं किया, अदा नहीं किया, तो ये क्या कहलाता है? एक्सपेंसेस पेड। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया।